पूर्व कप्तान माइकल वॉन और इयन बोथम मौजूदा ऐसे सीरीज में इंग्लैंड के आसानी से घुटने टेक देने के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन पहले ही सत्र में इंग्लैंड को दूसरी पारी में 68 रनों पर ऑल आउट करके एक पारी और 14 रनों से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-0 की विजय बढ़त बना ली है। एशेज के इतिहास में किसी भी टीम के सबसे तेजी से सीरीज जीतने का ये रिकॉर्ड है। वॉन ने कहा कि अगर जो रूट की अगुवाई वाली टीम 2023 में अपनी धरती पर भी हार जाती है तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा, ये आसान समय नहीं है, इंग्लैंड की तैयारी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अगर आप बहाना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। वही अपने समय के सर्वश्रेष्ठ हरफन मौलाओं में से एक बोथम ने कहा कि इंग्लैंड की टीम राह से भटक गई है। उन्होंने सेवक नेटवर्क से कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, 12 दिन के भीतर एशेज हारना शर्मनाक है, इंग्लैंड की टीम राह से भटक गई है, हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस विजय बढ़त पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।